हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल मेस एग्जाम पेपर। छेवीं जमात के लिए एक पेपर वैसे पाए, दोनों पेपर को एक पेपर तुम्हें होगा। पहला पेपर तुमने पाए दिता, एक साइड का और पेपर है, ये मैक्सीम एक क्लास चाहन का चांसिस है, ठीक है। ये दस दिन तुम्हें समा तीन घंटे जाएगा, तो नौ तरीक ना मार्च एग्जाम तुम्हें पता ही है, तो सारे प्रश्न जरूरी है, तो 35 मार्क तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप के इधर क्वेश्चन आ जाऊगा, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई गल नहीं, तुम्हें करा देना, ठीक है, फुली सॉल्व। तो जेकर पहला पेपर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर पहला पेपर भी देख सकते हो, फुली सॉल्व तुम कराया जे क्वेश्चन। कुछ मैं इस भी कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका, इसलिए थोड़ा फास्ट भी करा रहा, ठीक है। सो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए, जहाँ चैनल ने हले भी सबसक्राइब नहीं किया, सो चैनल सबसक्राइब कर लो, ठीक है जी। तो बाकी जो पी डी एफ प्राप्त करना तो टैलीग्राम तो लिंक अपडाउट सैक्शन जाकर टैलीग्राम में ज्वाइन करो, लिंक है, ठीक है। ठीक है जी, स्टार्ट करिए। हाँ जी, प्रश्न एक सही विकल्प चुनो, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, हेठ लिखिया बिचों केड़ा सर्वहारी है, केड़ा है, शेर, बाज, हिरन या कां। सो कां दोस्तों सारा सर्वहारी, बाकी नहीं है नी, क्योंकि मांस भी खा लेंदा एक भोजन भी खा लेंदा, ठीक है। हेठ लिखिया बिचों केड़ा थायराइड ग्रंथि दे सही ढंग नाल काम करन लई जरूरी है, केड़ा का थायराइड ग्रंथि लई आयोडीन, ठीक है। नैक्सट, केड़ा कपड़ा गर्म नमी वाले मौसम विच पाउण लई चुनिया जांदा है, केड़ा, हाँ जी, ऊनी या सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक है। गर्म करन ते की फैलता है, की फैलता, लकड़, पेपर, धात या कपड़ा। गर्म करन ते की फैलता, पेपर, कपड़ा, धात, मेरा धात, धात फैलता, ठीक है। अंब का पौधा एक डैश है, बूटी, रुख, झाड़ी या जड़, की है, रुख। हेठ लिखिया बिचों केड़ा अंग पसलियां द्वारा सुरक्षित होंदा है, दिल, दिमाग, अख, कन। सो इधर देखियो, छड़िया पे, ठीक है, नहीं लगभग मैं कमेंट कर दियो। मोटर वाहन द्वारा तहत की दूरी मापन लई हेठ लिखिया बिचों किस दी वरतों की जाती है, हाँ जी, किस दी, स्पीड, स्पीडोमीटर, मेरे ख्याल ना ओड़ा ऑप्शन ही अपना आना चाहिए, एक बार डाउट है देख लियो। बैटरी डैश दस मेल है, चालकों का, रोधकों का, बिजली सैलों का या फिलेमेंट का, हाँ जी, बिजली सैलों का। किसनों चुंबक में बदलिया जा सकता है, रबड़ नू, लोहे की किलनू, लकड़ी की छड़ नू, इन्हां विच कोई नहीं, सो लोहे की किलनू चुंबक में बदलिया जा सकता है। बालन क्रिया लई केड़ी गैस मदद करती है, हाँ जी, बालन लई आक्सीजन गैस। सारे क्वेश्चन मिलते हैं, मिलते जुलते हैं, उस जिद तक तुम्हें कराया सी। अगे जी, खाली थमान है, पौधा डैश क्रिया राही भोजन प्राप्त करता है, केड़ी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, अतः लिखनी हो रहा, तुम लिख लियो, मैं बोलता ना प्रकाश संश्लेषण पहला। कपाह एक डैश रेशा है, इधर भी दस दौ, चीनी पानी में डैश है, की है, घुलनशील, घुलन शील, ठीक है, चीनी पानी में घुलनशील, तीसरे तेरहवें दा आंसर। अगे, झोने के दाणिया ठंडिया तो डंडिया तो बख करन की विधि की कहें, मेरे ख्याल ना गहाई नहीं, छटाई आना, ठीक है, देख लियो, छटाई। डैश परिवर्तन में नवा पौधा बनता है, कि नवा परिवर्तन नवा पौधा बनता है, मेरे ख्याल आ जाना वो की कहें, देख लियो यार, कमल भी कट के ला दे, नवा पौधा तैयार होता, देख लियो, तो गोडे का जोड़ डैश जोड़ा की उदाहरण है, कब्जे का जोड़, ठीक है। 5 किलोमीटर भी डैश मीटर होंगे, 5000 मीटर। सूरज वल कदे भी सीधा नहीं वेखना चाहिए क्योंकि अखा बहुत डैश हो सकती हैं, की है, डैमेज हो सकती हैं। गंडोया द्वारा खाद बनाने डैश कहते हैं, इधर देख लियो। प्लास्टिक एक डैश समगरी है, की है, प्लास्टिक एक रोधक, बिजली रोधक समगरी भी कह सकते, नहीं देख लियो, अगर सही गल करा दें। मनुख के शरीर में सूरज की रोशनी दी मदद नाल विटामिन डी बनता है, सही है गलत, हाँ जी दसो, विटामिन डी बनता सूरज की रोशनी में विटामिन डी, बिल्कुल सही है। सूती कपड़े गर्म और नमी वाले मौसम में पहने ने आरामदायक होंगे, बिल्कुल सही है। तेल पानी में घुलनशील है, गलत है दोस्तों, है नहीं घुल, क्योंकि घुलता नहीं पानी चो, तैरदा। तरल तो भाप बनाने की प्रक्रिया में संगणना आखते हैं, आई थिंक सही है, देख नहीं देख लो, डाउट है। पत्तिया तो पानी दे निकलन वाष्प क्रिया वाष्प उत्सर्जन किया जाता है, बिल्कुल सही है। सप सीधी रेखा बिच बहुत तेज गति करता, नहीं दोस्तों टेढ़ा चलता सप, इतना तुम्हें पता है ना, ऐ चलता, ठीक है, सो गलत। अगला, प्रकाश सीधे मार्ग बिच यात्रा नहीं करता, गलत है दोस्तों, प्रकाश हमेशा सीधे राह से चलता, ये गलत है, ठीक है। नैक्सट, बिजली धारा एक पेंसिल के सिक्के बिचों लंघ सकती है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो की पाया ग्रेफाइट पाया जाता, ठीक है, बिजली जो पेंसिल बिच।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਲਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਾਂਚਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਚਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, 6 ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 5 ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਬਰਫ, ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਣ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬਥੇਰੇ, ਸਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਉ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ, ਪੋਟਕ ਪਦਾਰਥ, ਲੂਣ, ਖਣਿਜ ਲੂਣ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਸ਼ਪਣ ਅਤੇ ਸੰਘਣਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਥੇਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 12, 13, 14, 15, 16 ਤੱਕ, 16 ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੋਲ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, 4 ਆਉਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 4 ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, 5 ਦੇ ਕਿ 3 ਦੇ ਆ, 1, 2, 3, 3 ਦੇ ਆ, ਸੋਰੀ 3 ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਦੇ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਰਡ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਣ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਚਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ।